हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने वेक्टर अलजेब्रा को रिवाइज किया था टू अंडरस्टैंड 3D। तो आज हम लोग 3D का बेसिक्स पढ़ेंगे, पर एक बार क्विकली देख ले हमने क्या पढ़ा था। हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से आता है ये हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, सेक्शनल फॉर्मूला एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग फिर से डायरेक्शन रेशियो से शुरू करते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है, जो हमें प्रॉब्लम में काम आने वाला है, उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। क्या मेरी बात समझ में है? तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा है, जस्ट अ मिनट, या डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन, और एक बात याद रखना, हम लोग 3D में जब पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, ठीक है? एक लाइन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हमने, आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। हमने पढ़ा था कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सारे डायरेक्शन कोसाई है, कोसाइंस है। एल एम एन लेटर से इन्हें डिनोट किया जाता है। और डायरेक्शन रेशियोस है, ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, बीसीज। और डायरेक्शन रेशियोस हैं ए बी एन सी, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इनके बीच का जो मेन रिलेशन है वो है डायरेक्शन कोसाइन बाय डायरेक्शन रेशियो। अगर आप करोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जो हमने लास्ट क्लास वेक्टर में पढ़ा हुआ है। और यहां से अगर आप रिलेशन निकालोगे तो सबसे पहला जो रिलेशन आएगा वो आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एंड पुटिंग दिस वैल्यू आपको के का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लीज लुक एट दिस, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। आप यहां से इन दोनों को अप्लाई करोगे तो आ जाएगा, इसको और इसको अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ये मिल गया, आप आराम से रिलेशन लिख सकते हो दैट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये है पहला रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जिसको आप कभी भी भूलोगे नहीं, ये हमने आई होप जब क्लास कर रहे थे तो वहां पर ही हमने चीजें देखी थी और मैंने मार्क भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये फॉर्मूला, इसको प्रूव भी किया था हमने। और डायरेक्शन रेशियो के लिए याद रखना, ये बराबर नहीं होता है, जनरली बराबर हो भी सकता है बट जनरली नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं मेन चीज, वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इन 3D, ओके, 2D में आपने ये पढ़ लिया है, सो 3D में कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा है 2D में, तो 3D में कार्टेशियन फॉर्म में सेम टाइप का रिलेशन रहता है, बस यहां एक एक्स्ट्रा जेड लेटर यूज करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने मेरा स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो नहीं देखा है, क्लास 11 वाला, उसको जाके पहले कंप्लीट करें, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए 2D वाला, तब जाके आप 3D कर पाओ। तो 2D आपका होमवर्क रहा, हम लोग 2D आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 3D। आप 2D पूरा जाके घर पे रिवीजन करना,
क्या क्या था रिलेशन, ऐसा था ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टू पॉइंट फॉर्म था, है ना, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन। इफ यू रिमेम्बर, ऐसा ही फॉर्मूला हमने वहां भी देखा था और हम यहाँ भी देखेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ घर पे आज ये लेक्चर को पॉज करो और पहले 2D स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख के सारे फॉर्मूला याद करो, देखो फटाफट ये आपको समझ में आने लगेगा, याद होने लगेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D करने से पहले जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा वो होगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की जगह 2 पॉइंट दिया गया हो तो। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पहले, मतलब कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर 2 पॉइंट लाइन। एक लाइन बनाने के लिए हमें, आपको सबको पता है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अब मान लीजिए ये 2 पॉइंट यहाँ है, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, z1 और Q का है x2, y2, z2। क्या मेरी बात समझ में आई? और इस PQ लाइन को हमने मिला दी। अब इस स्ट्रेट लाइन का हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो आप याद रखना डायरेक्शन रेशियो जो है वो सिंपली होगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये मेरा हो गया डायरेक्शन रेशियो। इस सेगमेंट को आप P से Q पे जाते हो तो आप ऐसे लिखते हो, और अगर आप Q से P पे आते हो, इसको हम लोग PQ लाइन के लिए बोलते हैं, QP लाइन, एक्चुअली अंदर कुछ नहीं हो रहा है लेकिन हम लोग का डायरेक्शन सेंस बदल जाता है, वैसा अगर कंडीशन हो तो हम लिखते हैं x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2। पोजिशनल फॉर्मूला। दूसरी बात, आपको ये याद रखने के साथ इसका लेंथ कैसे निकालते थे हम लोग को याद है? तो जो PQ लाइन है इसका लेंथ कितना निकालते थे हम लोग? 2D का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 3D अपने आप याद रहे। हम लोग निकालते थे ऐसे, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर कर देते थे, है ना। तो ये हो जाता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो सिंपली डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर है, यस और नो? अगर आप ध्यान से देखो तो LMN का जो फॉर्मूला होता था वो अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ देम, यही तो होता था ना फॉर्मूला। तो मेरा सिंपली यहां से डायरेक्शन कोसाइन्स निकल जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा ए डिवाइडेड बाई पी क्यू, बिकॉज पी क्यू ही है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और ये सी डिवाइडेड बाई। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, लेट अ लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। हमें अल्फा दे दिया गया है, बीटा दे दिया गया है, गामा दे दिया गया है कि नहीं? अल्फा दे दिया गया है 30 डिग्री, बीटा दे दिया गया है 60 डिग्री,
गामा दे दिया गया है, लग गई। तो हमें निकालना है कॉस अल्फा, मतलब कॉस 30 का वैल्यू। कॉस 30 इज हाउ मच? रूट 3। सिमिलरली कॉस बीटा निकालना है हमें, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। एंड कॉस गामा निकालना है हमें, मतलब कॉस 90 डिग्री विच इज 0। सो एल इज दिस, एम इज दिस, एंड एन इज दिस। गॉट द आंसर? सो सिंपल। नाउ प्लीज कीप इन माइंड, बात को ध्यान दे दो कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस बोला गया है। नोट करने वाली बात यह है, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिसेस। अगर यहाँ पर नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड दे देता तब आपको 180 डिग्री इसमें से माइनस करना पड़ता, दिमाग खर्च करना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं हो। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये रहा मेरा ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और मान लो ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये ओ, ये पी। अब ना ये एंगल जो है ये अल्फा है। मान लो आपको इस क्वेश्चन में बोला होता कि द लाइन मेक्स 120 डिग्री एंगल विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप इस फॉर्मूला को